आप मुंह ते दाढ़ी नहीं हुंदी, आप शामां नूं शराब दे पैग लाउणे ने ते ओह बंदे कमेटी दे प्रधान बण के बैठे। ना इत्थे ग्रंथी सिंघां दी कोई इज्जत करदा, ग्रंथी सिंघ ना ओह लब के लियाउणा जिहड़ा कला रोटी ते गुजारा कर लिया। ते वैसे लंगर लाउण नूं भांत भांत दे लंगर पांच सत्त तरां दे पकवान बना लैणगे, इक दिन च पैसा फूक देणगे ते साल बाद फिर कहणगे वी साडे कोल तां पैसा नहीं गा किसे नूं देण दे। सो ये मैं बदबराई तो नहीं कर रहा, पर सच्चाई यह है साडे च इन्नियां कमियां आ गईयां गुरुद्वारे प्रबंधां दे विच वी हर एक दा हौसला खुल्लिया। मैं अगे वी उत्थे उदाहरण दित्ती सी, हुण फिर दिंदा, तुसीं सुणिया कदी निहंग सिंघां दे गुरुद्वारे च कोई बेइज्जती हो गई? ये पिंडां च गुरु घरां च क्यों वापरियां घटनावां? क्योंकि गुरु की हजूरी च पांच सिंह ते घट्टो घट चाहिए, दो त्यार बर त्यार शस्त्रधारी हो के खलोते रहन जिन्हां दा मकसद है गुरु की हजूरी च खड़ना, ते उन्हां दी की सेवा होनी चाहिए है कि जेड़ा गुरु वल नूं वधदा उहदा गट्टा ला दिओ। क्योंकि असीं इह नहीं किसे नूं कहिंदे, इह कहिंदे जी बंदा पागल है। मैं ते अगे वी प्रशासन नूं कहा सी, हुण फिर कहिंदा कि जेड़ा बंदा पागल हो गया उहनूं इह कौण सिखाउंदा पागल होए नूं भी भाई तू गुरु घर जा, गुरु घर जाके तबियत भी कर। कोई पागल बंदा पुलिस अफसर दे लीडर क्यों नहीं पाड़दा? कोई पागल बंदा देश दे प्रधानमंत्री दे गल क्यों नहीं पैंदा जाके? सो जेड़ा कोई पागल हो गया तो फिर असी नहीं कहा भी जे कोई एडा ही पागल हो गया भी गुरु दे घर आके तो गुरु की बेदबी करन तुर पिया तो उन्होंने जीण दा की अधिकार है, वह सोधा ला के सगों इस जून तो मुक्त कर देना चाहिए।